हैं, मिस पधार रही हैं, छुप गई बीच में, प्राइस में नहीं मिलता है। अच्छा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, आप नहीं, मैं ही काफी टाइम बाद मिल रही हूँ। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का, बट मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आज वीडियो बनाने का सोचा है। आज की वीडियो पूरी ब्यूटी रिलेटेड होने वाली है। मैं आपको जो भी चीज मेरे पास ब्यूटी से रिलेटेड है वो मंगाया मैंने अमेजोन से। ये बेसिकली अमेजोन हॉल होने वाला है। जो भी चीजें मैंने अमेजोन से मंगाई है ब्यूटी रिलेटेड वो आपके संग मैं शेयर करने वाली हूँ। और जो चीजें मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ वो चीज आपको मैं जरूर बताऊंगी कि मैं क्या चीज मुझे पर्सनली पसंद है। सारी चीजें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में, मैंने काफी सारी कैटेगरी से शॉप कर रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, उनको पता नहीं होता है कि क्या चीज मंगाएं और कैसे यूज करें। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में होने वाली है क्योंकि ये सारी वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ यू आर न्यू हियर, हाय माय नेम इज दीक्षा, आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी एंड फिटनेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड गिव योर रिव्यू ऑन दिस वीडियो, और पीछे जाके सारी वीडियोस भी देख लेना। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इतना सारा सामान अपने बेड में फैला रखा है ना, एक्चुअली ये बहुत सारा सामान है कि मैंने पूरा फैला रखा है। मैं यहीं से रैंडम चीज उठा के आपके संग शेयर करती हूँ, जो पहली चीज़ है वो शेयर करती हूँ। सो ये है निविया का अंडर आर्म रोल ऑन पर्ल एंड ब्यूटी वाला है। इसमें पर्ल एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल है, 0% एल्कोहल है, और जो इसकी फ्रेगरेंस है ना, फ्रेश फ्रेगरेंस है। इसको लगा के पूरे दिन भर आप फ्रेश फील करोगे। ये 0 अल्कोहल है, 0 इथाइल अल्कोहल है। ये मुझे पड़ा था 199 का। तो पीछे से आ गई हैं मिस पधार रही हैं, छुप गई बीच में। तो ये मुझे पड़ा था 199 का, मतलब 200 रुपीज़ का। तो अगर अमेजोन से मंगा रहे हो तो हमेशा आपको सेल पे मिलेगा, एग्जैक्ट प्राइस में नहीं मिलता है। अच्छा तो यहाँ मुझे छंडन निकला ही है, तो एग्जैक्ट प्राइस में ही नहीं मिलता है आपको, कब में मिलेगा। पर तो जिस समय मैंने मंगाया था 199 का ही था, अभी पता नहीं इसका प्राइस कम हो गया होगा। हमेशा प्राइस डाउन होते रहते हैं, क्योंकि सेल में मंगाओगे तो और ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है, मस्ट ट्राई है ये वाला मस्ट ट्राई। अब अक्षरा बताएगी मुझे कि मैं सेकेंड चीज़ क्या रिव्यू कर रही हूँ। रैंडम कुछ भी पिक कर ले इसमें, पहले ज़्यादा बोलना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसने पिक करा है। नेक्स्ट है रैने की परफ्यूम फ्रेगरेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मंगाई, इसमें से एक तो ज्योति मेरी बहन है उसने चुरा ली थी। तो चार मिलते हैं आपको, ये चार मिलते हैं। और सबसे पहले इसमें पहली फ्रेगरेंस है, ये तो मैंने ख़त्म कर दिया, ब्लूम है, बहुत ही ज़्यादा है। 15 ml की बॉटल मिलती है, पॉकेट फ्रेंडली, आप ट्रैवल जब कर रहे हो उसको साथ में ले जा सकते हो। क्या हो गया मुझे हंसी आ रही इसको देख के। तो ये तो ख़त्म हुआ, थोड़ी सी बची है, बता ये बताएगी कैसी ऐसी फ्रेगरेंस बता। अच्छी है तो देखो, ये पहले वाला है ब्लूम, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर दी है। नेक्स्ट है इसमें ऊद एस्पायर है, ये भी बहुत अच्छी है, ये मैंने यूज़ नहीं करी है। अब ये बता रिव्यू करेगी, ये बता स्मेल करके, इस साइड को आ जा कि तू भी दिख जाए। अरे मेरी परफ्यूम खर्च कर दी इसने। तो हैं कैसी है? अच्छी है, सही है, ठीक है। सेकेंड थी ऊद एस्पायर, ठीक है। नेक्स्ट है रेड नॉर, ठीक है, ये वाली है जब आप डेट नाइट में जा रहे हो किसी संग तब लगा के जाना। तो मेरा स्टोरेज खत्म हो गया था, पूरा फुल हो गया है मेरा स्टोरेज। तो मैं क्या बता रही थी आपको, रेड वाली ना जो सी फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है, और इसको डेट नाइट में जा के लगाना आप, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये मुझे पूरा बॉक्स था ना, जो 4 कितने का मिला था, तो ये पूरा बॉक्स है, ये मुझे मिला था वैसे ये 999 का है, बट ये मुझे अमेजोन में मिला था। मैं एक मिनट चेक करके बताती हूँ, भूल गई हूँ कितने का था पूरा बॉक्स। तो जो बॉक्स मिला था ये 549 रुपीस का मुझे मिला था, बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में। आपको 15 ml की बॉटल मिल जाएगी, पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं पर भी जाके इसे साथ में ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं इसे। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इसको देखना छुप छुप के जा रही है, कहाँ जा रही है, तेरी शक्ल नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हुए हम दिखाते हैं नेक्स्ट वाली चीज़। तो ये है नेक्स्ट आईब्रो रेजर, आईब्रो शेपर वेगा का है, मैंने मंगाया था, 3 सेट में मिलता है। एक ऑलरेडी मैंने यूज़ कर दिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शार्प, इसकी जो ब्लेड है ना बहुत ज़्यादा शार्प है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेजर बहुत शार्प है, इससे आप फेस रेजर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे निकालती हूँ, ये
ऑलरेडी सारी निकल, बट मैंने मेरे को फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करी थी, मुझे पता नहीं था कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे करी तो ऐसे एकदम से ऐसा निकलता है। इसको थोड़ा आप खड़ा रखना, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रखना, फिर आप इसे निकालना तो आराम से स्मूथली निकल जाएंगे। थोड़ा आप एलोवेरा जेल लगा लेना अगर फेस रिमूव, फेस से हेयर रिमूव करना है, एलोवेरा जेल लगा के आप इसको अच्छे से रेजर कर सकते हैं तो अच्छे से बाल निकल जाएंगे। बहुत ही शार्प ब्लेड है, मैं ज़रूर इसे रिकमेंड करूँगी। इसका प्राइस था 125 रुपीज़ का था ही, बट 110 में मैंने इसे परचेस किया है। नेक्स्ट वी हैव, जो नेक्स्ट होता है मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगाई थी वाओ की सनस्क्रीन, जो मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, आप देख सकते हैं पूरी ख़त्म हो गई है। SPF 35 था ये, मैंने ये ऑर्डर किया था। तो जो वाओ की सनस्क्रीन है वो नो पैराबिन नो सिलिकन वाली है, तो मैट फिनिश होता है इसका, थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा स्टार्टिंग में बट वो ठीक हो जाता है। SPF 35 मिलता है और ये 100 ml की बॉटल है, काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ऑफिस जाते हैं ऑफिस के बैग में इसको रख सकते हैं क्योंकि बहुत ट्रैवल फ्रेंडली भी है। मैंने 198 रुपीज़ की मंगाई थी, जो मैंने पूरी फिनिश कर दी है, और ये क्लेम करता है दिस सनस्क्रीन हेल्प टू प्रोटेक्ट योर स्किन नॉट जस्ट फ्रॉम सन डैमेज बट ऑल्सो कीप इट सेफ फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एज इट विदाउट एनी बेंजोफिनॉन एंड ऑक्साइड कलर। इसमें कैरेट रेस्पेरी एंड एवोकाडो ऑयल है, कैरेट का एक्सट्रैक्ट है, रेस्पेरी का भी एक्सट्रैक्ट है और एवोकाडो ऑयल है, इस कॉम्बिनेशन से बन रखी है, काफ़ी सेफ है, अच्छी है, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो मैंने मंगाया था वो सिरम है, जो पहले मैंने स्ट्रिक का मंगाया था, ये वाला जो स्ट्रिक का सिरम है इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है यार, ये मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखो पूरी बॉटल ख़त्म कर दी है और मैं दोबारा से मंगाने वाली हूँ। ये मुझे पड़ा था 110 रुपीज़ का मंगाया था मैंने, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना और आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। ये एनरिच विथ मकाडामिया ऑयल, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये मकाडामिया ऑयल एंड विटामिन ई से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लुक देता है, शाइन देता है हेयर को। नेक्स्ट मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया, ख़त्म करता है, नेक्स्ट मैंने रीस्टॉक किया है, वो मैंने इस बार लिवॉन का मंगाया था। ये पहले मैंने पहले जो मैं बच्ची थी ना तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते थे तो मैं लिवॉन का यूज़ करती थी, मेरे पापा मेरे लिए लिवॉन का लेके आते थे, तो मैंने दोबारा से काफ़ी सालों बाद, मतलब 10 साल तो हो गई होंगी उसके बाद से मैंने ये मंगा रखा है, उसके बाद मैं ये ट्राई कर रही हूँ इतने सालों बाद लिवॉन की। इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, बट मैंने सुना ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले अच्छे नहीं होते हैं, बट मुझे क्या करना, तो मेरे बाल में सूट हो रहा है, वैसे डैमेज हो गया ऑलरेडी हेयर। तो ये वो एंटी फ्रिज सीरम है, फॉर ऑल हेयर टाइप आ जाता है ये, गो फ्रिज हेयर। इसका प्राइस है 140, मैंने 140 में ही लिया था, काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस तो आए कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, आज को मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। परसों मैंने होली के बाद मैंने हेयर वॉश किया था, उसके बाद मैंने सीरम लगाया ना, काफ़ी मेरे को लग रहा है इससे ज़्यादा ना मुझे लिवॉन का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे बाल बहुत सिल्की शाइनिंग और फ्रेश फ्री रह रहे हैं मेरे, तो डेफिनेटली आप यूज़ करते हैं। ये 110 का पड़ेगा आपको, ये 140 का मिलेगा। मैंने ये दो इसकी बॉटल ख़त्म करने के बाद मैं दूसरा ट्राई करूँगी कि दूसरा कौन सा अच्छा आएगा, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे पास है ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई पैलेट न्यूड हुडा ब्यूटी का, ये सेकंड कॉपी होगी ऑफ कोर्स, सेकंड थर्ड या आई डोंट नो कौन सी कॉपी होगी, फर्स्ट कॉपी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके सारे कलर कितना न्यूड कलर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है, मैं आपको कोई भी कलर दिखा रही हूँ, जैसे मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, तो ये देखो सारे कलर इतने पिगमेंटेड है ना इसके, ये मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ इनका, ये देखो कितने ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है। आप कोई भी न्यूड कलर से, न्यूड से न्यूड ज़्यादा न्यूड क्यों नहीं कलर ले लो, आप ये वाला ले लो, कौन सा है, पर्पल सा, तो सारे कलर इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है ना इसके, बहुत ही अच्छा पैलेट है ये, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है ये। अब इसका प्राइस कितना होगा, मैंने बहुत पहले मंगाया था, मैं बताती हूँ, मैं तब से ही यूज़ कर रही हूँ पैलेट, मैं दिखाती हूँ बताती हूँ आपको कितने का मुझे पड़ा था। ये 199 अराउंड 200 रुपीज़ का मैंने ये पैलेट मंगाया था, हमको इस पर पूरे 18 कलर्स मिल जाते हैं, थोड़े सिमरी कलर्स मिलते हैं, थोड़े मैट कलर मिल जाते हैं, फिर ज़्यादा पिगमेंटेड कलर्स हैं इसके, सारे कलर बहुत अच्छे हैं, इनके नाम पता नहीं, बेयर, क्रेप, प्ले, फैंटेसी, लव बाइट्स, स्पैंक्ड, बहुत सारे इसमें बहुत सारे टाइप के कलर्स हैं, मैट और सिमरी सारे कलर्स। जो कॉलेज जाते हैं और जिनका ज़्यादा बजट नहीं है तो ये वाला आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत पिगमेंटेड कलर, तो आप ये वाले न्यूड कलर ना कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। आपने ज़्यादा ब्राइट कलर से पहले ना जो बिगनर्स हैं उसको लाइट न्यूड कलर में इन्वेस्ट करो अपना, तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसको जरूर परचेस करना। नेक्स्ट आई हैव, उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट विद वैक्स क्रीम, हमें वैक्स क्रीम मिलती है, 3 शेड मिलते हैं और एक वैक्स क्रीम मिलता है विद 1 स्पूली, स्पूली मेरी कहीं गिर गई है, उसने कहाँ खो गई है, तो ये तो पहले फर्स्ट है वैक्स, इसको पहले वैक्स को अप्लाई करो, उसके बाद हमें कोई भी शेड अपने रिलेट क्लोज टू योर आईब्रो शेड, आपने कोई भी शेड इसमें यूज़ कर सकते हो, इसको आप ऐसा आई शेडो भी यूज़ करते हो, उसमें ब्राउन कलर मिल जाता है और ये देखो ब्राउन कलर मिल जाता है, ब्राउन ही, हाँ ब्राउन कलर मिल जाता है, ये ब्लैक कलर है, कितना पिगमेंटेड है, और ये ग्रे कलर है, ये तीनों कलर देखो कितने ज़्यादा पिगमेंटेड कलर हैं, ये
बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है और एक वैक्स क्रीम भी मिल जाती है, एप्लीकेटर भी मिलता है, जिससे आप आराम से इसको कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी है। इसका प्राइस था, लेट मी सी, हाँ एक मिनट, इसका प्राइस था 261 रुपीज़ का। आपको ये कॉम्पैक्ट सा मिल सकता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, अफोर्डेबल भी है, कहीं भी पॉकेट में फिट जाएगा। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको मेकअप की जरूरत हो तो इतना बड़ा बड़ा सामान से अच्छा आई शेडो पैलेट भी काम कर लेगा, आपका आईब्रो पैलेट का भी काम कर देगा, ये दोनों चीज़ें का काम कर लेगा, तो आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। अब आईब्रो की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं आइस के बारे में। आइस के लिए मैंने मंगा रखे थे, पहला है ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा, जो कि बोल्ड आइज और सुपर लेस मस्कारा है, वाटरप्रूफ है। सेकंड मस्कारा मैं यूज़ किया है मैंने मेबलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। ये दोनों ही बहुत अच्छे मस्कारा है, मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं, दोनों हाइपर कर्ल देते हैं और वाटरप्रूफ दोनों में बहुत ही अच्छे आइज को लिफ्ट करते हैं। अभी ख़त्म हो चुका है, मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं, दोनों इतना मैंने यूज़ कर रखे हैं कि दोनों ख़त्म हो रखे हैं। बहुत अच्छा मस्कारा है और इसका प्राइस है 239 रुपीज़ का, वैसे ही 299 रुपीज़ का, पर 20% ऑफ चल रहा है अमेज़ॉन में, तो मुझे 239 रुपीज़ का ये पड़ा था, ऑलरेडी मैंने कर दिया है पूरा। मेबलिन का मस्कारा है हाइपर कर्ल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हाईली पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, और ये मुझे पड़ा था 279 रुपीज़ का। इसका फॉर्मूला भी ना अप्लाई करते हुए बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से ये लिफ्ट कर देता है अपनी आईब्रो, तो मैंने ये भी यूज़ कर दिया है, पूरा ख़त्म हो गया, देखो थोड़ा थोड़ा सा ही बचा है, पूरा ख़त्म हो गया मेरा, ये भी बहुत अच्छा था, मैंने काफ़ी टाइम तक इसे यूज़ किया, मैंने सेकेंड रीस्टॉक किया था, वो भी ख़त्म कर दिया है, तो अभी आजकल मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट आई हैव आईलाइनर बताती हूँ मैं, आईलाइनर का भी स्विस ब्यूटी का है, ये भी काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, जेट ब्लैक है पूरा, मैं दिखाती हूँ उसका फॉर्मूला, ये देखो पूरा जेट ब्लैक है, एक ही स्ट्रोक में अच्छे से आपका आईलाइनर डिफाइन कर देगा, ये अच्छे से लुक देगा ये, अगर आपको अच्छे से अप्लाई करना आता है तो। जो ये स्विस ब्यूटी का आईलाइनर है, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ आईलाइनर फॉर आई मेकअप है, काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे पड़ा था 179 रुपीज़ का। तो अब मैंने दूसरे फ़ोन में स्विच करा है, क्योंकि मेरा फ़ोन भर चुका है, मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है, तो मैंने दूसरा फ़ोन बोरो करके नेक्स्ट मैंने मंगाया, बताती हूँ फ्लावर से बताती हूँ। तो उसके बाद मेरे पास है ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर है, ये ड्यूई एंड ग्लो लुक देता है, मतलब इससे ना ये आपको एज अ आप स्टार्टिंग में यूज़ करते हो प्राइमर जैसा, इससे आपको मैट फिनिश नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं है, बिल्कुल आपको बचा देगा, मतलब क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपको मेकअप को क्या बोलते हैं, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखेगा, इसलिए आप इसको पहले ऐसा प्राइमर यूज़ कर सकते हो, पहले स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें विटामिन ई वगैरह है। मैं इसे दोबारा मैं परचेस नहीं करूँगी, मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ मत परचेस करना, बिल्कुल बेकार है ये बस आप ऐसा प्राइमर और टोनर यूज़ कर सकते हो उसको, वरना ये मेकअप फिक्सर काम बिल्कुल नहीं करता है, इसके लिए टोटली नो है मेरी तरफ से। ये मैंने 175 रुपीज़ का मंगाया था, पूरे पैसे बर्बाद है, कुछ कोई यूज़ करनी है ये। नेक्स्ट आई है ये आपके मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए, पॉन्ड्स की बेबी क्रीम है ये, इसका शेड मैंने आइवरी मंगा रखा है इसका शेड, और ये मुझे पड़ा था 275 रुपीज़ के मुझे पड़ा था, और ये अमेज़ॉन में मुझे 270 के अराउंड पड़ा होगा, क्योंकि अमेज़ॉन में तो सेल चलती रहती है तो थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है। काफ़ी अच्छा शेड है इसका, मैट फिनिश है, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, अगर आपको कोई फाउंडेशन नहीं लगना है डेली वेयर के, क्या फाउंडेशन यूज़ करोगे, तो ये अच्छे बहुत स्मूथ फिनिश होता है, देखो ब्लेंड आराम से ब्लेंड हो गया, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना, जो बिगनर्स हैं, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ऑफिस वाले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नहीं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस वाले हैं, वो बेबी क्रीम में जरूर इन्वेस्ट करना, काफी अच्छी है, 275 रुपीस की आपको मिल जाएगी, इसमें SPF 30 PA++++ है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव मैंने मंगाई थी, ये काफी अच्छा शेड है इसका, ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, लैक्मे की मंगा रखी है मैंने ये, इन द शेड 19 न्यू ट्विस्ट, दिख नहीं रहा होगा 19 न्यू ट्विस्ट, इसको मैं पहले शेड दिखाती हूँ, शेड कितना प्यारा शेड है ना, मैंने अभी भी यही अप्लाई किया है, बहुत प्यारा ये वाली लिपस्टिक मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, कि सेकंड बॉटल है इसकी, सेकंड लिपस्टिक है ये, तो ये मुझे पड़ी थी 299 रुपीज़ की पड़ी थी, और ये है मैट लिक्विड लिप कलर है, ये बहुत प्यारा लिप कलर है, 5.6 ml का आपको ये बॉटल मिल जाए। तो नेक्स्ट मेरे पर लैक्मे का एक और प्रोडक्ट है, जो है लैक्मे का लिप बाम, ये SPF 15 भी है इसमें, तो ये मैंने मंगाया था 104 रुपीज़ का, मैंने ये परचेस किया था, काफ़ी अच्छा है, इसकी ना खुशबू भी चेरी वाली आती है, बहुत अच्छा है, ये
काफ़ी अच्छा है ना, इसको भी आप परचेज कर सकते हो, बहुत प्यारा है अच्छा से। अगर आपको लिपस्टिक नहीं लगा रहे हो तो आप नॉर्मली लिप बाम में यू आर रेडी टू गो, आप जा सकते हैं लिप बाम। ये है मॉइस्चराइजर पॉन्ड्स का। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको चिपचिपा वाला मॉइस्चराइजर मतलब आपको नहीं मन करेगा ना वो लगाने का, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, सुपर लाइट जेल है ये, नॉन स्टिकी है, फ्रेश फील करवाता है। आप इसको अप्लाई करो, इसका क्रीम है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आप ऐसे जैसे लगा लोगे ना बहुत ही फ्रेश होगा, देखो गायब हो गया, मतलब बिल्कुल चिपचिपापन नहीं होगा, आराम से ब्लेंड हो जाएगा और डिजोल्व हो जाएगा हमारी स्किन में फेस पे, तो हाइड्रेट करेगा हमें पूरे दिन भर, हाइड्रेट रखेगा ये। ये हाइलोरोनिक एसिड एंड विटामिन ए है इसमें, और मैंने ये परचेस किया था 115 रुपीज़। जो बिगनर्स हैं वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये वाले मॉइस्चराइजर में, गर्मियों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है स्किन को ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला चीज़ होने वाली ना वो तो इतनी प्यारी चीज़ होने वाली है ना, आपको देख के ही मज़ा आएगा। तो मेरे पास है, मैंने ये क्लेचर मंगा रखे थे, इसको क्लेचर बोलेंगे कुछ बोलेंगे, तो ये है कॉम्बो, तीन के कॉम्बो में मैंने मंगा रखा है, देखो इसको आप खोलोगे ना इतना बड़ा हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये जूड़ा बना रखा है, मैंने ऐसी बाल बना के बैठी थी, तो ऐसे आपको ओपन कर लेना है ये और इसको अटैच करना है, फिर इसको बंद कर लो, तो ये देखो हो गया, तो आपका ये पूरा बन के तैयार है आपका, मतलब आप जूड़े में लगा सकते हो इसको, अपनी पोनी में बना सकते हो, लोब बन बनाओगे तो उसमें लगा सकते हो, काफ़ी कूल भी लगता है और ये बहुत वायरल चल रहा था तो मैंने मंगाया था। अब मैं बताती हूँ उसका प्राइस, ठीक है। पहले मैंने ऑर्डर किया था, ये 3 पीस में मंगाया था मैंने और सबको दे दिया है, ये 279 के 3 पीस मिले थे मुझे, ZigZag इसका नाम है, इसका नाम है बर्ड नेस्ट मैजिक हेयर क्रिप हेयर एसेसरी फॉर वुमेन, बर्ड नेस्ट हेयर क्रिप ज़ेबरनिम हेयर होल्डर बर्ड्स नेस्ट हेयर क्लिप पोनीटेल, इतना बड़ा नाम है इसका, काफ़ी अच्छा है ये 279 रुपीज़ में यार, कितना यूनिक लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको क्लेचर की जरूरत नहीं, किसी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लगा के अटैच कर देना ऐसे करके, बस हो गया 279 में, तो आप जरूर उसको मंगा सकते हो। सारा मेकअप का सामान मंगाने के बाद अब आपको एक चीज़ ऐसी मंगानी चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, जिसका आप जिससे आपका फेस ग्लो करे, तो आप इस वाले ब्लश में ज़रूर इन्वेस्ट करना, ये ब्लश भी है और हाइलाइटर भी है, क्योंकि शिमरी ब्लश है, और ये मैंने ब्लू हेवन का मंगाया था, ये मुझे 199 या अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का पड़ा था, बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ये देखो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और शिमरी लुक देता है ये, मैं आपको लगा के दिखाऊँ, अब ये ब्लेंड नहीं होगा, मेरे पास बो रही है, देखो ब्लेंड भी हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिमरी लुक है इसमें, सिमरी है, स्पार्कल्स है ना इसमें, तो बहुत अच्छा है, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो। और इसका शेड है डायमंड ब्लश ऑन, काफ़ी अच्छा शेड है, आप इसमें ज़रूर परचेज करो, ज़रूर इन्वेस्ट करना, बहुत अच्छा शेड है और मस्ट ट्राई वाला है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि ये फ़ोन मैंने किसी से बोरो किया है, वो मुझे फ़ोन मांग रहा है, मेरे भाई बार बार फ़ोन मांग रहा है, इस वजह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट है मेरी परफ्यूम। देखो सब मैंने मेकअप दिखा दिया, आईलाइनर दिखा दिया आपको, आईज का दिखा दिया है, फेस का दिखा दिया है, अब बॉडी का भी तो दिखाना चाहिए, तो बॉडी के लिए मेरे पास है परफ्यूम फॉकी, ठीक है। इसकी फ्रेगरेंस, हाँ बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसको, बट इसको आपने कभी, ये बॉडी वाली फ्रेगरेंस, ये बॉडी वाली परफ्यूम है, आप इसको कपड़ों में मत डालना, बहुत ही स्मेल करता है वरना, तो ये मंगाया था 225 रुपीज़ का प्राइस है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है आपको, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक रहता है। डायरेक्शन ऑफ यूज़, होल्ड द कैन 10 to 15 cm 4 to 6 inches अवे फ्रॉम योर स्किन, स्प्रे ऑल ओवर योर बॉडी क्लोथ आफ्टर बाथ, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट। बस इसको इसमें लिखा है क्लोथ, बट क्लोथ पर मत डालना बाद में ना, आपको अगर स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा तो ये बहुत स्ट्रिंग करता है, क्लोथ नहीं बॉडी के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस उसको मस्ट है। और फॉकी मुझे लगता है फॉकी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड है पहले तो परफ्यूम में, और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।